क्वेश्चन फोर में आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका पार्ट जो ए है इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है हमें, तो हमें पहले ये वाली टर्म लिखनी होगी जिसके अंदर कोफिशिएंट जिसमें एक्स लिखा हुआ है, तो टर्म विद फैक्टर एक्स, ये वाली टर्म हम लिख लेते हैं। इसका नाम है वाई स्क्वायर एक्स, और देखिए इसमें क्या होगा कि एक्स के को छोड़ करके जो बचा हुआ है वाई स्क्वायर, उसको यहाँ लिख देंगे हम, और यहाँ पर एक्स वाली टर्म ये है माइनस एट वाई एक्स। तो अब एक्स को अगर हम छोड़ दें, एक्स को छोड़ करके बचा माइनस एट वाई, माइनस एट वाई इसका कोफिशियंट हो गया। अब देखिए सिर्फ एक्स वाली ये वाली टर्म लेंगे जहां पर एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स के पहले कुछ भी नहीं है तब भी हम यहाँ पे प्लस वन लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर एक्स की टर्म ये है जेड एक्स, तो इसमें जेड हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर दो टर्म्स है, एक एक्स है तो एक्स का तो वन हो गया, और इस वाले एक्स वाई का वाई हो गया। अब हमारे पास में ये आया 12xy स्क्वायर, 12xy स्क्वायर का मतलब हो गया 12y स्क्वायर, कैसे x को छोड़ देंगे बाकी बचा 12y स्क्वायर, उसे हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर एक टर्म है 7x, तो 7x का तो 7 हो गया, और xy स्क्वायर में y स्क्वायर हो गया। इसके बाद में हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगी वो पार्ट बी में आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोफिशियंट निकालना है हमें, तो हमें वाई स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ 8 माइनस x y स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिख देंगे, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म 5y स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर y, इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है। वाई स्क्वायर वाली टर्म एक तो यह है यहाँ पे माइनस 15xy स्क्वायर, और दूसरी है प्लस 7y स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमें कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को छोड़कर जो बाकी बचा वो लिख देंगे, वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे तो 5 बचा, और वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे तो माइनस 15x बचा, वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे तो प्लस का 7 बचा। तो इस तरह से हमारा इसका बी पार्ट भी